सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, इसमें लिखा है इन अ फॉर्मूला रेसिंग कॉम्पिटिशन टाइम टेकन बाय टू कार ए एंड कार बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक इज 30 मिनट एंड 3 मिनट। दो कार है बच्चा, एक कार ए है और एक कार बी है। कार ए को एक राउंड लगाने में बच्चा 30 मिनट लगती है और कार बी को 3 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लेने में, ठीक है। तो एक राउंड लेने हो सकता है कि रेसिंग 3 राउंड या 4 राउंड कितने भी राउंड की हो, लेकिन उनको ना बच्चा एक साथ वो स्टार्टिंग पॉइंट में कब मीट करते हैं, देखो क्या लिखा है। द कार मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। मान लो कार ए ऐसे मूव कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई कार है, ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पर मान लो उसको 30 मिनट लग गए एक राउंड कंप्लीट करने में, मतलब लिखा भी है देखो बच्चा 30 मिनट कंप्लीट वन राउंड। अब वो कुछ आगे जाएगी, ठीक है, कार ए की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कार ए पर आगे जाएगी, कुछ यहाँ तक पहुँच जाएगी स्कोर, जब तक कार बी जो है 3 मिनट ले रही है, वो एक राउंड 3 मिनट में कवर करती है। अब वो कहता है कि कितने टाइम के बाद दोनों कार स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ आएंगे, ठीक है। जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट में या एक पर्टिकुलर पॉइंट में दो कार एक साथ कब मीट करेंगी, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि टू बॉयज रनिंग अराउंड अ पाथ एट व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन, या बेल वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि तीन बेल है इतने इतने टाइम पर रिंग करती हैं और दोबारा वो एक साथ कब रिंग करेंगी। तो ऐसे केसेस में हम जनरली एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, दोनों जो भी टाइम दिया रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम होता है ना उतने टाइम बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा मिलती है, इस बात को ध्यान। इसका डिटेल वीडियो ऐसा क्यों होता है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने एक डिटेल वीडियो में अलग से एक्सप्लेन की हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि वो दोबारा कब मीट करेंगी, वो मीट करेंगी एलसीएम ऑफ 30 मिनट और 3 मिनट के बाद, और हमें दिया भी होगा कि वो आफ्टर 90 मिनट के बाद मीट करेंगी, यानी कि जो 90 मिनट है ना वो 30 मिनट और 3 मिनट का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 30 एंड 3 हमें कितना दिया बच्चा 90, ये माइंड में रखो, ओके। और एचसीएफ ऑफ 30 एंड बी, एचसीएफ ऑफ 30 एंड पी हमें दिया है 50, ओके। और हमें कार की वैल्यू ऑफ पी निकालो। अब बच्चा एक फॉर्मूला है जो एचसीएफ और एलसीएम और दोनों नंबर का रिलेशन शो करता है, वो फॉर्मूला है बच्चा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब देखो बच्चा एचसीएफ इधर हमारा 15 है और एलसीएम हमने 90 दिया है, वन ऑफ द नंबर 30 और पी दो नंबर है, उसमें से एक नंबर 30 है और एक नंबर हमने पी हमें दिया हुआ है। अब पी की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 15 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 30, 30 इधर मल्टीप्लाई में था तो ये आरएचएस एलएचएस में जाके डिवाइड में आ गया, तो ये 0 से 0 कटा और यहाँ पर पी आ गया, तो 15 3 45, तो पी हमारा 45 आ गया, तो वैल्यू ऑफ पी इज 45 मिनट। तो ऑप्शन ए 45 मिनट इज आवर आंसर। Please like and share the video and subscribe the channel.